हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहां पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की है, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोग को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल्टा डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढ़ाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की
प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, इस मूवी की जानर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes किया, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी।
तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढ़ाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल थी, आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे
के इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, किटू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जैनर के बारे में, इस मूवी की जैनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोग को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिदवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मनी रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कडाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, किस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्ट्रेस शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कीतू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढ़ाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के 8 डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13th January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिदवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढ़ाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, इस मूवी की जानर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी
लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मनी रत्नाम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मनी रत्नाम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, किस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल थी, आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं।
उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इन्जॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कीतू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिदवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कडाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्ट्रेस शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कीतू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जन्म से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मनी रत्नाम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिदवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढ़ाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, इस मूवी की जानर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes किया, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कडाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, क्या इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, क्या इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कीतू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल्टो ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes किया, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिदवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कडाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, किस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्ट्रेस शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितु गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जन्म से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, पूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
लाइन राइटर के बारे में, किस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मनी रत्नाम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी
ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 hours and 17 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितू गिदवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में, कि इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल्टो डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढ़ाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मनी रत्नम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, किस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AR रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 January 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 January 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहां पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ओके जानू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में, इस मूवी की जनर क्या है, तो इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड ड्रामेटिकल सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 17 minutes की, मतलब 2 घंटे और 17 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन, शर्मा विभूति, कितु गिडवानी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.3 out of 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटर्स के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया है। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जन्म से इस मूवी का 38% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी का 53% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर शाद अली जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मणि रत्नम जी एंड गुलजार जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मनी रत्नाम जी ही आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर भी दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, क्या इसकी जो मूवी की स्टोरी लाइन थी वो इसी मूवी की थी या फिर किसी ओल्ड मूवी की कॉपी की गई थी। तो ये ओल्ड मूवी ओ कढाल कनमनी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। एंड उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर मनी रत्नाम जी, करण जौहर जी, अपूर्वा मेहता एंड हीरू जस जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर जी, श्रद्धा कपूर, नसीरुद्दीन शाह, लीला सैमसन एंड प्रहलाद कक्कर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मींस एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि के चंद्रन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर ए श्रीकार प्रसाद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वॉल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड ए आर रहमान आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मद्रास टॉकीज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियोज आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 जनवरी 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में जिस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी का एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 137 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 39.23 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो दो बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम वीडियो के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।